सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 यूनिक गेम्स बताऊंगा जिसको खेलने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव बन सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम है द विकिंग्स करके। यहाँ पर आपको 1 प्लेयर 2 प्लेयर आप साथ में खेल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। और गाइस, यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या रहता है, आप लेफ्ट साइड में आप हो और राइट साइड में आपका ओपोनेंट रहता है, मतलब कंप्यूटर या आपका सेकेंड प्लेयर, साथ में भी खेल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है पीछे की साइड, आपको बैलेंस बना के आपको सामने वाले को किल करना है। वो आपको मारते रहेगा, आप उसको मारते रहोगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर उसको मारा हूँ, तभी नेक्स्ट स्टेज, मतलब जैसे जैसे आप मारते रहोगे बीच में वॉल आ जाती है और जैसे आप प्रोग्रेस करोगे गेम में आपको हार्ड हार्ड स्टेज आते रहेंगे। और ज़रूर से ये गेम को ट्राई करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो होल्ड करना है आपको, बैलेंस बनाना है और आपको मारना है। स्पीड भी डिपेंड करती है आपका क्या स्पीड पे जा रहा है वो आपको अपोनेंट की तरफ, और क्या वो आपको किल कर पाता है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड गेम की बात करते हैं तो इसका नाम है आर्चरी बिग मैच करके। यहाँ पर अगर आप शूटिंग वगैरह गेम में हो और आपको इतना हाई वाला गेम नहीं चाहिए, आराम से आपको बैलेंस लगा के आपको ये सब गेम में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर से ये गेम को ट्राई करिएगा। यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर आपका जो एरो है उसे आपको होल्ड करके रखना है और जब तक कि आप उसे सेंटर में बैलेंस करके नहीं ला पाते हो तो वहाँ पर आपको शूट नहीं करना है। एक बार आपने बैलेंस करके आप सेंटर में लेके आ गए तो आपको होल्ड जो आप करे उंगली से उसे आपको छोड़ देना है और ऑटोमेटिकली एरो जाके वो सेंटर में या जहाँ भी आपको मारना है, अगर आप प्रो लेवल के प्लेयर हो तो आप मार सकते हो। गाइस, ये जो स्टेज में खेल रहे हो ये बहुत ही बिगनर वाला है, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब क्या मजा आएगी, बट ये स्टार्टिंग वाला स्टेज है, आगे आगे आपको हार्ड हार्ड लेवल आएंगे। ये तो आपको बस आपको एक डेमो देने के लिए मैंने आपको ये खेल के बताया इजी लेवल। तो गाइस, ज़रूर से अगर आप शूटिंग गेम में हो तो आप ये गेम को ट्राई कर सकते हो। और इसका भी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके भी जितने भी 5 गेम मैं आपको बताऊंगा सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा और सब गेम फ्री है, सब गेम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो आप लिंक यूज़ करके भी आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड गेम की तरफ। तो यहाँ पर इसका नाम है बी सॉकर करके। यहाँ पर आपको ये शूटिंग पेनल्टी वाला गेम बोल सकते हो, शूटिंग वाला है। तो बहुत सारे गेम है प्ले स्टोर पर शूटिंग के, बट ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। यहाँ पर इसका नाम है बी सॉकर और यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या रहता है, आपको बस शूट मारना है। और ये गेम भी जो इनिशियल जो स्टेज रहते हैं वो ईजी रहते हैं, बट आहिस्ते आहिस्ते हार्ड होते जाते हैं, बीच में लोग भी आके खड़े होते हैं, उसको क्रॉस करके भी आपको शूट मारना पड़ता है। और यहाँ पर तो मैं आपको डेमो के लिए सब बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्वाइप करना, आप जो डायरेक्शन में स्वाइप करोगे, आप लेफ्ट में करोगे, जैसा आप उंगली लेके जाओगे वैसा आपका बॉल जाएगा गोल पोस्ट की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो मैं कैमरे के पीछे से कह रहा हूँ इसलिए मुझे मतलब जम रहा नहीं है, बट रियल लाइफ में मैं इससे अच्छा गेमर हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं स्वाइप करा तो जैसे कि आप देख सकते हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मारते हो गोल, तो ये आपको स्लो मोशन में एक बता देता है कि यार आपने इतना अच्छे से मारे हो। तो स्लो मोशन में जो ग्राफिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं राइट लेफ्ट जो भी आपको मारना है वैसा आप ये गेम में मार सकते हो। तो गाइस, ज़रूर से भी अगर आप शूटिंग गेम में हो तो आप इसे डाउनलोड करके खेल सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो आप मैंने राइट साइड में स्वाइप करा हूँ। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। तो गाइस, ये है नोवा लेगेसी। नोवा 3 का तो नाम आपने सुना ही होगा। गाइस, ये बहुत ही बड़ा गेम है, 1 से 1.5 GB का गेम है, बहुत ही ग्राफिक वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा गेम है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या iOS में है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पर जो इसका जो लोअर वेरियंट निकला है मतलब लेगेसी, ये ऑलमोस्ट मतलब 25 से 30 MB के आसपास है, बट डेफिनेटली जो ग्राफिक है वो आपको नोवा 3 जैसी नहीं मिलेगी। बट फिर भी ये गेम आपका मीडियाटेक का प्रोसेसर है या माली का GPU जो भी है 6737 वगैरह और भी जितने भी प्रोसेसर है सभी में ये वर्क कर लेता है। तो आप मतलब नोवा 3 आपके फ़ोन में नहीं चलता बराबर, तो आप नोवा लेगेसी का एंजॉय कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर जो MB के हिसाब से जो ग्राफिक दिए है नोवा वालों ने, गेम लॉफ्ट पर कंपनी ने, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर उन्होंने मतलब ऑप्टिमाइज करके ये गेम बनाया। और ऐसा नहीं है कि आप ये गेम को एंजॉय नहीं करोगे, ज़रूर से आप इसे भी एंजॉय करोगे। और यहाँ पर भी ग्राफिक बहुत ही अच्छी निकल के आती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लिफ्ट है, ये मतलब बहुत ओवरऑल अगर देखा जाए तो नोवा 3 का आप बोल सकते हो शॉर्टर वर्जन है, मतलब फिर भी आप खेलने लायक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही बकवास है या कुछ,
बहुत ही अच्छी ग्राफिक है और आपको सब शूटिंग वगैरह सभी आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है और बहुत ही अच्छे से आप इसे खेल सकते हो। तो गाइस एंजॉय करिएगा आगे का गेम को। तो गाइस ये गेम भी मैंने अभी स्टार्ट करा हूँ मतलब आपको बताने के लिए। तो गाइस इसके लिए ये थोड़ा इजी लग रहा है, ये भी गेम में आप थोड़ा स्टेज पार करोगे तो उसके बाद में आपको ये भी गेम हार्ड लगने लगेगा। जितने भी गेम मैं बता रहा हूँ अभी के लिए इजी लग रहा है, बट आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हार्ड होते जाएगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपका एडिक्शन भी बढ़ सकता है। गाइस लास्ट गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर है स्टूपिड ज़ॉम्बीज़, ये भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा खेलता हूँ ये गेम को। यहाँ पर भी इसका भी स्टार्टिंग का है। तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या रहता है, आपको शूट करना रहता है, डायरेक्टली शूट नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो बट आपको नीचे अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको बुलेट्स दी रहती है, वो बुलेट में आपको जितने ज़ॉम्बीज़ है सबको एक साथ में मारना रहता है। तो गाइस यहाँ पर आपको एम लगाना है और एम लगा के इसकी जो फायरिंग है वो डायरेक्टली सीधी नहीं जाती है, वॉल से टकरा टकरा के मतलब हर जगह से आपको जा जाके वो मारती है। तो गाइस बहुत ज़्यादा ऐसा अभी के लिए तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा है बट ज़रूर से आप इसे ये पर्सनली ये गेम की बात करो इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये ऊपर साइड मारा बट ये टकरा टकरा के मतलब नीचे, मतलब इसका लॉजिक नहीं है मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गेम का। तो ज़रूर से भी ट्राई करिएगा, प्ले स्टोर पर भी इसकी रेटिंग्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है, मैंने सोचा कि आपके साथ मैं भी शेयर कर दूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि गेम के बारे में बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो में इसे इंक्लूड करा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरीके का ये गेम को भी खेलते हैं और यहाँ पर ये स्टेज आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा कैसा मतलब जा रहा है ये। कभी कभार अपने आप शूट करोगे तो आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि कौन सा फायर किधर जाने वाला है, कौन सी बुलेट कहाँ जाने वाली है, ऑटोमेटिकली लक बाई चांस भी कभी कभी एक ही बुलेट में सब मर जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप खेलते रहोगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 गेम मतलब एडिक्टिव, या आप बोल सकते हो कि 2017 के लिए एडिक्टिव गेम मतलब अभी के लिए। गाइस मुझे ये सभी गेम बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज़रूर से आप भी इसे ट्राई करिएगा।